डायरेक्टर विक्रम भट्ट ने फिल्म राजश्री से करीब 7 साल बाद महेश भट्ट के बैनर विशेष फिल्म से वापसी की है। विक्रम कहते हैं कि उनके और महेश के बीच कुछ अनबन जरूर थी, लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वो बहुत ही छोटी बातें थी। कुछ अनबन थी ये तो दुनिया जानती है, उसके बाद जब पीछे मुड़ के देखा तो बहुत ही छोटी बातें थी। कहीं भट्ट साहब और मुकेश जी ने मेरे लिए इतना कुछ किया था और मैं आज वापस आया हूँ, वो एहसानों को अब बदला चुकाने आया हूँ जो उन्होंने मेरे लिए किया। मुझे डायरेक्टर बनाया है, मुझे सपोर्ट किया है इमोशनली, फाइनेंशियली, एंड जितना मैं उनके लिए करूँ उतना कम है। राजश्री एक हॉरर फिल्म है। विक्रम इससे पहले राज, 1920, शापित, हॉन्टेड और डेंजरस इश्क जैसी फिल्में भी डायरेक्ट कर चुके हैं। उनका मानना है कि हर बार ऑडियंस को नए तरीके से डराना थोड़ा मुश्किल काम है। डराना ऑडियंस को मुश्किल है क्योंकि ऑडियंस जो है वो उतनी आसानी से ही आपकी फिल्म को मजाक बना सकती है, तो डराना मुश्किल काम तो है और हर बार नए ढंग से डराना पड़ता है क्योंकि अगर आप एक ही चीज़ बार बार करेंगे तो लोग यूज्ड टू हो जाएंगे। वो चैलेंज तो है, लेकिन वो चैलेंज हर एक फिल्म में है। अगर आप लव स्टोरी बनाते हैं तो आपको हर बार एक नई लव स्टोरी एक नए प्रॉब्लम्स के साथ पेश करनी पड़ेगी। अगर कॉमेडी बनाते हैं तो नए जोक्स कहीं से लेके आने पड़ेंगे, तो ये तो हर फिल्म में ऐसा ही होगा। क्योंकि राजवन विक्रम भट्ट ने ही डायरेक्ट की थी, ऐसे में उन पर इस बात का भी प्रेशर है कि राजश्री उससे बढ़िया भले ही ना हो लेकिन कम से कम उसकी बराबरी की जरूर हो। राजश्री 7 सितंबर को रिलीज होगी जो कि 3D में है। तुम वही करोगे जो मैं चाहती हूँ क्योंकि मैं उसे बर्बाद करना चाहती हूँ।